तो मैंने ले लिए इंडिया जाने की टिकट और अब मैं बना रही हूँ परांठे फ्रीज करने के लिए। तो नेक्स्ट डे शुरू हो गया है, मैंने बना दिए हैं 15 पराठे। अब इनको फ्रीज करूंगी एक दो घंटे बाद। शुरू कर दिया है मेथी का परांठा बनाना, क्योंकि मेरी बेटी को अब इनको मेथी बहुत पसंद है। बना दिए हैं पूरे 24 पराठास, कल से शुरू करूंगी नया अपना स्टॉक। तो परांठे बनाने शुरू कर दिए हैं और आई थिंक 10-11 बन चुके हैं। तो मेरे सारे व्यूवर्स का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिलने की दुनिया में। और जैसे मैं अपने लास्ट 3 ब्लॉग्स में बोलती आ रही हूँ, कुछ बताना है कुछ बताना है, तो बताना ये है कि मैं इंडिया जा रही हूँ। और वैसे तो हम हर साल इंडिया जाते ही हैं, कई बार तो हम 2 बार भी गए एक साल में, लेकिन इस बार था कि मेरी बेटी को जाना नहीं था इंडिया, तो मेरा प्लान था नहीं जाने का, लेकिन अब प्लान चेंज हो गया है और मैं इंडिया जा रही हूँ। तो मैं इंडिया इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी सासू माँ के जो दोनों घुटने, उनका ऑपरेशन हुआ है। और जब ऑपरेशन होता है तो किसी का होना बहुत ज़रूरी होता है, और ऑपरेशन ऐसे हुआ कि अप्रैल में ही डॉक्टर ने बोला करना पड़ेगा वरना ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो जब ऐसा होता है तो फिर आप, जब बच्चे के एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं, तो आप एक माँ छोड़ के नहीं आ सकती है उसी टाइम पर। तो मम्मी की हेल्प के लिए, जैसे मम्मी की बेटी है वो, उन्होंने हेल्प की, एक और थी उन्होंने हेल्प की, सब हेल्प करने आए। और अब मैं जाऊँगी फाइनल हेल्प करने, मतलब मेन हेल्प, उनकी मेन जो हेल्प चाहिए होती है वो तो ऑपरेशन के बाद चाहिए होती है, जब हो रहा होता है उसके बाद। तो असली काम तो उन्होंने कर ही दिया है, मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूँ कि मतलब उनके पास 1 महीना रह के आऊँगी, कि जो थोड़ा सा उनकी थोड़ी सेवा कर सकूँ। और मतलब वैसे तो मैं, एक सच बात है कि मैं अपने बच्चे को, मैंने आज तक कभी भी अकेले नहीं छोड़ा अपने बच्चे को, कभी भी नहीं। मतलब मेरा बच्चा, जैसे इंडिया भी जाते हैं तो हम कहीं शॉपिंग पे भी जाते हैं, तब भी मैं फ़ोन करती रहती हूँ कि ठीक है। मतलब मैं बच्चे को भी अकेला छोड़ा नहीं है, वो 14 की हो गई है अब। लेकिन पेरेंट्स के लिए कुछ भी, मतलब अगर एग्ज़ाम्स ना होते तो मैं पहले चली जाती, पर एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम में बच्चे को जब आपने कभी अकेला छोड़ा ही नहीं, हस्बैंड को देखना आता नहीं, किचन कुछ काम करना नहीं आता, तो आप ऐसे में छोड़ जा नहीं सकते हो एकदम से। तो इसलिए मैं अभी जा रही हूँ, और जाके इस पर मैं जा रही हूँ 1 महीना 10 दिन के लिए जा रही हूँ इंडिया। और कोशिश यही रहेगी 35-30 डेज़ तो मैं सासू माँ की सेवा करके आऊँ। बाकी ये कि मैंने क्या करना है, सब लोग जो मेन था जो निकाला उन्होंने, वो तो बेटियों ने हेल्प करी, पर जितना मुझसे हो सका मैं कर रही हूँ। इसलिए कहते हैं कभी ये नहीं बोलना चाहिए मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। कई बार मैं नोटिस किया था कि लोग अपने 4 साल के 5 साल के बच्चे को छोड़ के कहीं चले जाते थे, घूम आए कुछ कराए थे, तो सोचती थी ऐसे कैसे कोई अपने बच्चे को छोड़ सकता है। पर अब जब खुद पे जैसे हो रहा है, मतलब आई थिंक आई नो कि 14 की हो गई है, कि सब बोले कि 14 तो बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है, बड़ा नहीं होता। जिस माँ को हर चीज़ अपनी, मतलब बेटी के साथ ही, मतलब चिपट के रहने की आदत हो, उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि मेरा दिल बहुत, मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिल नहीं है मेरा कि, पर यह है कि मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है पहले, क्योंकि जो मैंने परांठे परांठे बनाए, मैंने 100 पराठे बना के फ्रीज कर दिए हैं, मतलब परांठे बना के फ्रीज कर दिए हैं, छोले राजमा टोफू मटर और अपनी एक और सब्ज़ी है वो, मतलब मैंने क्या कर दिया उसको फ्रीज़ कर दिया है, जैसे 6-6 के पैकेट्स में सिंगल सिंगल। तो खाने पीने की तो कोई कमी होने नहीं दूँगी, क्योंकि माँ के हाथ का खाना माँ के हाथ का खाना होता है। ब्रेकफास्ट में वो केला और दूध ही पीती है, मतलब, और उसके बाद वो जो अपना जो मेरा खाना है वो काम आएगा बढ़िया। तो मैंने इस हिसाब से बनाया है खाना कि मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को बस निकाल के गर्म करना है, दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं बहुत 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 बिजी थी। तो मेरे व्यूअर्स को बहुत कुछ देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग में, क्योंकि मैं जाऊँगी इंडिया और सासू माँ के साथ रहूँगी, तो मैं अपना जितना हो सकेगा रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि ये वाले जो मोमेंट्स हैं कोई लाइफ में आ नहीं सकते। अमेरिका लाइफ में हो, आप रह रहे हो, जी रहे हो लाइफ, लेकिन असली प्यार तो पेरेंट्स ही होते हैं। तो उनके पास मैं सासू माँ से इस बार के साथ ही रहूँगी, तो साथ में चिपटने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत वैसी हूँ, मुझे थोड़ा प्यार और फिजिकल टच चाहिए होता है। तो मैं, हम खूब मस्ती करेंगे और मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊँगी जो बहुत एक यूनिक चीज़ है। मेरी शादी को 16 ईयर्स हो चुके हैं और 17 हो जाएंगे इस जुलाई में, 17 ईयर्स हो जाएंगे। लेकिन जब मेरी शादी होके आई थी और day 1 में जैसी मैं रहती थी, वैसी ही मैं अब तक रहती हूँ अब ससुराल में। तो मेरी ससुराल में आप जब मुझे देखोगे तो आपको बहुत यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी, कि मेरी शादी को हो चुके हैं बहुत साल और मैं अपने ससुराल में day 1 से ही वैसे रहती हूँ जैसे मैं पहले रहती थी और अब रहती हूँ। सेम, मतलब मैं कपड़े जो हैं वो रोज़ नए पहनती हूँ, और बिल्कुल जो मुझे सिखाया गया था कि मुझे ऐसे ऐसे बिहेव करना है। तो मैं अपने व्यूज़ को दिखाऊंगी कि ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप जब आपकी लाइफ बढ़ती है तो आप चेंज हो जाते हो, नहीं होते हो, मुझसे सीखो। मैंने आज तक जो ससुराल में रहती थी वही मैं अब रहती हूँ, मतलब सेम मेरा स्टाइल है रहने का। मैं बहुत बनठन के रहती हूँ और सीरियसली बनठन के रहती हूँ, मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ की हो जाती हूँ। और एक बहुत अच्छा बच्चा हूँ मैं, मतलब जिन मामलों में मुझे सिखाया गया कि आपको ऐसे करना है, तो मैंने आज तक वही जारी रखा है। और अब तो इतनी बड़ी हो गई, उसके बाद भी मैं रोज़ नए कपड़े पहनना, मैचिंग बिंदी लगाना और चूड़ियाँ पहनना मैचिंग, और मतलब फुल ऑन, मतलब जैसे होता है ना एक आदर्श बहू,
वैसे रहती हूँ मैं। मुझे सीरियसली बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि बहुत अजीब लग रहा है कि मैंने ऐसे जब मैं जाऊँगी इंडिया अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात करूँगी, क्योंकि आदत तो है नहीं। और इस बार सीरियसली मैं अपने बच्चा कहना माना है हमने कि उसका सच्ची में बहुत थक चुकी है, बहुत पढ़ाई करती है, सब कुछ करती है वो, तो उसका बिल्कुल मन नहीं था इस बार कि मुझे इंडिया जाना है। तो इस बार हम बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। जब बच्चा आपका सारा कहना मानता हो, एक ही चीज़ मांगी कि उसे इंडिया नहीं जाना है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो एज अ अच्छी माँ बन के उसके उसका खाना जो उसे मिस ना हो। बाकी तो ये है कि बच्चे तो मतलब टाइम तो मैं कम ही स्पेंड कर पाती हूँ, क्योंकि पढ़ाई में जैसे स्कूल से आती है, 5 दिन बात की हमने, फिर अपनी पढ़ाई लग जाती है। तो जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं तो मतलब यही होता है कि आप माँ जो है वो कम ही टाइम दे पाती है, क्योंकि बच्चे को पढ़ना होता है। पर उसके अलावा ये है कि मैं बहुत मिस करूँगी, और देखते हैं जाके कैसा लगता है। और मतलब मुझे लगता है कि रोना आएगा जब मैं वीडियो कॉल पर देखूँगी कि मैं वीडियो कॉल पर हूँ, बेटी के साथ नहीं हूँ। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मेरा वही मानना है कि पेरेंट्स से ऊपर कुछ नहीं है। मतलब पेरेंट्स को अगर जरूरत पड़े तो आपको हमेशा ये लगाना चाहिए एफर्ट कि चल बेटी ने अपना एफर्ट लगाओ, यहाँ पे बच्चे के लिए खाना बना के जाओ, और माँ की कमी आप फ़ोन से पूरी करो, वीडियो कॉल से पूरी करो। लेकिन अगर पेरेंट्स को ज़रूरत है तो हमेशा हर बच्चे को अपने पेरेंट्स के लिए तैयार होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी सासू माँ का जब ऑपरेशन हुआ तो एक पैर तो बहुत अच्छा सा हो गया था, सेकंड पैर में बहुत दिक्कत आई थी, पर मैंने उनसे बात करी है तो वो अभी बहुत अच्छे हाल में है। मतलब उनका पैर काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है सेकंड वाला भी, और उनसे काफ़ी लोग मिलने भी आ रहे हैं, और मतलब उनको खुश देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। अब लगता है कि फटाफट से जाके मैं भी अपना कुछ हल्का सा फर्ज निभा के आऊँ कि उनको थोड़ी हेल्प मिले। और पर बाकी सबको थैंक यू जो मेरी सासू माँ से मतलब हेल्प करके गए हैं, बेटियाँ और जो एक और दीदी हमारी आई थी उन्होंने भी हेल्प करी है, सरोज दीदी ने भी, तो उन सबको थैंक यू है। और बाकी अब मैं जा रही हूँ, और बाकी ये कि हाँ एक चीज़ का फ़ायदा तो मिलेगा मुझे कि अगर मैं इंडिया जा रही हूँ इस बार तो मुझे देहरादून में बन टिक्की खाने का मौका मिलेगा, क्योंकि बन टिक्की सिर्फ देहरादून में मिलती है, और हम भूखे लोग जो अपना खाना खुद ही बनाकर खाते हैं उनके लिए तो ये वरदान है मतलब इंडिया जाके खाना खाना। तो मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन में कम से कम 2-3 बन टिक्की खा के आऊँ। फिर चलती हूँ मैं, क्योंकि मेरा जाने का नज़दीक आ गया है। मुझे अभी अपना लास्ट मिनट सामान जो रखते हुए रखना है, और मैं अपने व्यूवर्स को दिखाती रहूँगी क्या क्या चल रहा है, डालती रहूँगी। डालने में 2 हफ्ते लेट हो जाऊँगी मैं, लेकिन मैं अपना सारा जो है वो रिकॉर्ड करूँगी यहाँ का रास्ते का, और मैं जिस फ्लाइट से जा रही हूँ वो सब रिकॉर्ड करूँगी और अपने व्यूवर्स को दिखाऊँगी मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और तो मेरे सारे व्यूवर्स को और थैंक यू बोलूँगी अपने व्यूवर्स को जो मेरी वीडियोज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं, और वो निराश नहीं होंगे क्योंकि मेरा जो व्लॉग्स आएंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। मेरे मायके का व्लॉग बनाऊँगी जब वापस आऊँ ससुराल से, ससुराल का व्लॉग बनाऊँगी और दिखाऊंगी लोगों को कि मैं कितना मुझे कैसे क्या हो रहा है, मतलब कितना मिस कर रही हूँ। और तो अभी के लिए मैं निकलती हूँ, फिर अभी आज का जो मेरा जो कि काम करने में निपटाती हूँ फटाफट से, मेरी शाम की फ्लाइट है, तो फिर अपनी व्यूअर्स को कहती हूँ बाय बाय। जाने से पहले बहुत कुछ करना पड़ता है, अपने हस्बैंड को याद दिलाया कि जो खाना मैं बना के गई हूँ वो तो फ्रीज कर दिया है, पर उसके अलावा भी क्या चीज़ें आप बच्चे को देते रहना है। तो अभी से 5 घंटे बाद निकलना है मुझे एयरपोर्ट के लिए, और मैं बना रही हूँ परांठे अपने पति और बबच्चे के लिए आज के लिए, ताकि उनको दिक्कत ना हो। तो मैंने 6 परांठे बना दिए हैं और 2 परांठे अपने लिए रास्ते के लिए, क्योंकि मैं सब्वे का सैंडविच लेकर जाऊँगी इस बार, क्योंकि जगह टाइम नहीं मिलता तो सैंडविच खाना इजी रहता है। तो मेरा टाइम आ गया है व्यूअर्स जाने का, मैं जा रही हूँ एयरपोर्ट, बाय बाय। तो मैं हो गई हूँ जाने के लिए रेडी फुल ऑन, और खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ। तो बाकी मैं अपना एयरपोर्ट जाकर रिकॉर्ड करूंगी, बाय बाय माय व्यूअर्स। टाइम फॉर मी टू गो, सामान रख रहे हैं, जा रही हूँ वर्जिन अटलांटिक से, और मैं बताऊंगी कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मैंने बहुत तारीफ सुनी है। तो लेट्स सी सारी सीट बताऊंगी कैसी है। तो अब चलते हैं एयरपोर्ट की ओर। माय ईयररिंग्स, मौसम थोड़ा ठीक चल रहा है, और मैंने चिड़ियों के लिए जो खाना लगाया था वो सारा फिनिश कर गई, आज मैंने फुल ऑन भर के लगाया था, तो इनको बहुत मिस करूँगी। माय फ्रेंड्स बाय बाय। वाली हूँ रितिका, मम्मी को मिस करेगी।
पूरी आ रही हो ना? तो सिक्योरिटी चेक हो गया ओवर और मैं जा रही हूँ J7 पे वर्जिन अटलांटिक वही है। स्टारबक्स में भी बहुत भीड़, तो मैंने ले लिया अपने लिए आइस कॉफी। बोर्डिंग होने वाली है। अब आप अगर एयरपोर्ट पे हो तो आपको सन गेजिंग करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट भी आप सन गेजिंग कर सकते हो। सुपर धूप हो रही है, माय गॉड, विश्वास नहीं हो रहा कि एयरपोर्ट पे ये सुविधा भी है। तो मेरा ग्रुप है सबसे एंड में, तो आज वेट करना पड़ेगा, बहुत भीड़ है। ये है, मैं हमेशा जब भी एयरपोर्ट जाती हूँ इंडिया तो बहुत खुश रहती हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब एक्स्ट्रा हैप्पी। बट क्योंकि फर्स्ट टाइम अपनी बेटी को लेके नहीं जा रही हूँ, अकेले जा रही हूँ, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कभी छोड़ा नहीं है और बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही है। पता नहीं कैसा लगेगा, देखते हैं इस बार, ऐसा ना हो कहीं मैं जाके बीजी में बोलूँ मुझे भागना अपनी बेटी के पास। लेट्स सी कैसे जाता है। जा रही हूँ गेट 42, तो मैं आ गई हूँ लंदन एयरपोर्ट पे, पर कितना ही कर लो सबसे दूर मेरा ही होगा है, कहीं भी जाना हो 42 लगता है आखिरी गेट है। तो अभी हमें मिल गई हैं ये भी हिसार से हैं और मैं भी हिसार से। सारे पैदा हुए थे? नहीं, पैदा नहीं। चलो ठीक है। तो मेरी फ्लाइट बोर्ड होने वाली है थोड़ी 10 मिनट में, मेरा एज यूजुअल लास्ट है।
फाइनली पहुंच गए इंडिया। अब 5 मिनट मिलेंगे पेरेंट्स से। वेलकम टू इंडिया। लगेज आ गया है, मैं चली। मेरी मम्मी आ गई। पापा ना, मेरी मम्मी आ गई। ये मेरे पापा, लव यू। चलो घर जाने से पहले रुके मैं ढाबे पे और मैं पीऊंगी कर्मा करम चाय। इंडिया का मजा, इतनी टेस्टी चाय नहीं पी मैंने कुल्लड़ में। बहुत टेस्टी चाय बनाई है।